उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मई के महीने में ही दिसंबर जैसी ठंड झेल रहे, वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़े रहने की संभावना जताई है। मसूरी में बेमौसम बरसात के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और लोग गर्मी के मौसम में ठंड के कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी ने मौसम में ठंडक पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे पर्यटन नगरी में एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है। स्थानीय निवासी जगजीत कुकरेजा ने बताया कि जब बारिश से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई के माह में पहले कभी इतनी ठंड नहीं देखी गई। वहीं छावनी परिषद के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद ने कहा कि बारिश के कारण स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है और माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण पूरा माल रोड दलदल में तब्दील हो गया है, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अप्रैल और मई में दिसंबर जैसी ठंड लग रही है। हाँ, एकदम आपका कहना ठीक है। कल से मौसम ने जो एकदम मिजाज बदल दिया है। मई के अप्रैल के एंड में यहाँ पे जो है काफ़ी बरसात हो रही है और बरसात में दोनों ही पहलू हैं, जहाँ पर्यटक इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं देखा जा रहा है कि उसी हिसाब से स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं, स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हमें भी आप देख रहे होंगे कि हमें जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है। देखिए, जो मौसम इस समय चल रहा है ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने की आवश्यकता है हमें वो हो नहीं पाते। कहीं बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ करना है, ये तो बड़ी दिक्कत का है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यटन जो आ रखे पर्यटक वो कहीं ना कहीं इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।